नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, सज्जनों, आप सबका स्वागत है एग्जोटिक एस्ट्रोलॉजी में। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो मैं बना पाऊँ। और ये वीडियो है जुपिटर का ट्रांजिट स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में, जो होने वाला है 11-12 अक्टूबर 2018 को। और यहाँ पर मैं गुरु का जो गोचर होने वाला है उसका प्रत्येक लगन के ऊपर क्या प्रभाव होगा आप अपने चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, जो कि मून साइन है आपका या आपका जो असेंडेंट है लग्न उससे भी देख सकते हैं। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर मेरे से कोई कंसल्टेशन चाहिए या आपको जानना है कि ये गोचर गुरु का आपके हॉरोस्कोप के लिए कैसा रहेगा, तो आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो अगर इंग्लिश में देखना है तो वो मैंने बहुत पहले ही बनाया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा। ओके, तो गुरु 11 तारीख को गोचर करने वाले हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि जो काल पुरुष की कुंडली में नैसर्गिक अष्टम स्थान है, स्कॉर्पियो साइन जिसको हम कहते हैं वो है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि बहुत ही गुप्त राशि है, वो हमारे उन चीज़ों को दिखाता है जो हम गुप्त रखना चाहते हैं या कुछ हमारी जो वीकनेसेस है जो हम छिपा के रखते, जो हम बोलना नहीं चाहते, और हमारे आत्मा के अंदर जो चीज़ें हैं जिसको हमें जिससे हमें निजात पानी है, जो कहते हैं ना कि वीकनेसेस पे वर्क करना है। तो हम जब आध्यात्म की ओर जाते हैं तो उन चीज़ों के परे होके जाना पड़ता है हमें। तो अष्टम स्थान जैसे खुफिया चीज़ों को दिखाता है, जैसे सीक्रेट चीज़ें ना, हम सबको पता है। तो जब गुरु उसके ऊपर गोचर करता है तो क्या होता है कि जैसे विष्टि लार्सन जी मेरे चैनल पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि जिस भी राशि में गुरु गोचर करते हैं एक साल के लिए, तो उस साल तक लोगों को उन चीज़ों में बहुत दिलचस्पी आ जाती है। और क्योंकि ज्योतिष जो है वो भी अष्टम स्थान से हम देखते हैं, अष्टम और नवम स्थान से हम देखते हैं। तो आप देखिएगा कि जैसे ही गुरु का गोचर होगा वृश्चिक राशि में, उससे लेके एक साल तक, नवंबर नेक्स्ट ईयर तक 2019 तक, लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ जाएगा धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष की तरफ, आयुर्वेद, ऐसी पुरानी चीज़ें जो है हमारे भारतवर्ष में, और धार्मिक ग्रंथ हो गए। वो ज़्यादा तब होगा जब धनु राशि में गुरु जाएंगे अगले साल, लेकिन अभी जब वो वृश्चिक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोगों की जिज्ञासा थोड़ी थोड़ी जागरूक होगी, तो वो आपको दिखने को मिलेगा। तो इसके बाद सवाल आता है कि जो गोचर होता है हम लगन से देखते हैं कि चंद्रमा से देखते हैं? मैं कहता हूँ, मेरा मत है कि दोनों से देखना चाहिए, क्योंकि लगन जो है वो आपका बुद्धि है और आपका जो फिज़िकल, आपकी जो परिस्थितियाँ है ना भौतिक, वो दर्शाता है। तो मान लीजिए आपका गुरु सातवें घर में गोचर करता है लगन से, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि आपकी शादी हो सकती है भौतिक स्तर पे, फिजिकली कोई आपको हस्बैंड या वाइफ मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मान लीजिए आपके चंद्र राशि से गुरु गोचर कर रहे दसवें स्थान में, तो ऐसा होगा, आप देखेंगे कि चंद्र जो है, चंद्रमा आपका मन है, वो दिखाता है आपकी कि आपका मन किधर है। और मन ही नहीं है चंद्रमा, चंद्रमा है आपका सोसाइटी, आपके आजू बाजू के लोग जो है, आपके आसपास के लोग आपको कैसी चीज़ों को करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आपका चंद्र राशि से गुरु दसवें में गोचर कर रहा है, तो भले ही आपका सप्तम में लगन से गोचर कर रहा है तो आपकी शादी हो गई भले ही, लेकिन सोसाइटी वाले जो है या आपका जो मन है या बाकी जो लोग आपके आसपास है, वो लोग बोलेंगे कि तुम्हें काम में फोकस करना चाहिए, कैरियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, नौकरी या बिजनेस व्यवसाय जो भी आप कर रहे हैं। तो ऐसे होता है, और हमेशा ही ऐसा ही होता ही है जीवन में कि हम कुछ अपने से कुछ चाहते हैं और लोग कुछ और चाहते हैं हमसे। तो कृपया इस विवाद में ना जाए कि यहाँ से लगन से ही देखे या चंद्रमा से ही देखे, दोनों से देख सकते हैं। तो मेरा तो मत बड़ा साफ है इसमें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और
वृश्चिक राशि के लिए क्या हो रहा है, जैसे जो हमारा गुरु है वो उनके लगन में ही गोचर कर रहा है, ठीक है। तो लगन क्या है, लगन आपका बुद्धि है, लगन आपका मन है चंद्रमा भी मन है, लेकिन लगन भी बताता है कि आप आपकी दिशा किस किस तरफ जा रही है। तो जब गुरु लगन में गोचर करता है तो कहते हैं कि जैसे गुरु क्या है, नेचुरल वो आध्यात्म का कारक है, तो धर्म आध्यात्म ज्ञान चिंतन इन सब चीज़ों में आपको रुचि आ जाएगी। वृश्चिक लगन वालों को वो बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि लगन में जो है गुरु दिग्बली हो जाता है। दिग्बली अर्थात डिरेक्शनल स्ट्रेंथ, मतलब कि वो उसका पूर्ण प्रभाव भौतिक स्तर में देने के लिए सक्षम हो जाता है, क्योंकि लगन जो है हमारा मन मस्तिष्क है और वहाँ पे ज्ञान बैठता है लगन में। तो जब गुरु ज्ञान के जगह बैठ जाता है तो अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और कहते हैं कि लगन में जो भी ग्रह गोचर करेगा वो खुद आपके पास चल के आती है। तो आप वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वाले अभी देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे गुरु आएंगे आपके दशा के अनुसार, जो भी दशा चल रही उसके अनुसार ये होगा। बहुत सारे गुरु आपको मिलेंगे, गुरु और गुरु जो है जुपिटर आपका बच्चे का भी सिग्निफिकेटर है, बच्चों को भी दर्शाता है, तो ऐसा भी हो क्योंकि वहाँ से वो पंचम सप्तम और नवम को दृष्टि डालेगा। तो इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आप अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचने लगे, या आप किसी आध्यात्मिक जगह आप जाना चाहें, किसी तीर्थ स्थान में, ऐसा हो सकता है। या आपको नए ग्रंथ पढ़ने का मन करे, जैसा हमारा गीता हो गया या भागवत हो गया या कुरान या बाइबल जो भी आप पढ़ते हैं, तो हो सकता है वो आपको पढ़ने का मन करे फिर से नए तरीके से। और हो सकता है आपको कोई मंत्र करने का मन करे, क्योंकि गुरु वहाँ से पंचम स्थान को दृष्टि दे रहा है, पंचम स्थान जो है मंत्र का है। तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप कोई नया मंत्र शुरू करें या आपकी दीक्षा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और नवा भाव जो है वो हमारे गुरु जो काउंसलर्स जो गाइड्स है हमारे पिता है उनका है, तो वहाँ से जब गुरु लगन से वहाँ दृष्टि डालेगा तो हमारे पास ये चांस है कि अगर हमारा अपने पिता या किसी गुरु या किसी काउंसलर से कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया तो हम उसको ज़्यादा ताकतवर बनाए ना। तो जैसे मान लीजिए हमारे फादर से ज़्यादा हमारा बात नहीं होता तो हम ज़्यादा बातचीत करने का कोशिश कर सकते हैं अभी, या हमारे कोई गुरु है जिनसे हम कनेक्ट करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं अभी। और उसके बाद सप्तम स्थान में भी दृष्टि डाल रहा है गुरु। सप्तम क्या है, सप्तम हमारा विवाह स्थान है। तो गुरु जो है वो फॉरगिवनेस का कारक होता है, फॉरगिवनेस मतलब किसी को माफ़ कर देना जैसे ना। तो अगर हमारे वैवाहिक जीवन में कोई मन मुटाव हो किसी से तो ये अच्छा टाइम है वृश्चिक लगन वालों के लिए कि हम अपने जीवन साथी को हम उसे एक्सेप्ट करें जैसे भी वो है और उसे चेंज करने का कोशिश ना करें बदलने का, और जो भी गलतियां हमसे हुई है उसके हम माफ़ी मांगे, और जो भी गलतियां उनसे हुई है उनके लिए भी उनको भी हम उसके लिए माफ़ करें। और गुरु जो है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो उसके वजह से जहाँ पे भी गुरु की दृष्टि जाती है वहाँ पे शुभता ही होती है और वहाँ पे वृद्धि होता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप अपने पूरे जीवन में, क्योंकि लगन आपका पूरा जीवन है, वो आपका पूरा बुद्धि को दिखाता है, पूरे जीवन में एक ऑप्टिमिज्म आपका आएगा, तो उसके वजह से आप बहुत खुशी महसूस करेंगे अपने अंदर, ठीक है। तो ये हो गया वृश्चिक राशि के लिए। और उसके बाद हम जाते हैं धनु राशि पे। तो धनु राशि का जो गुरु है वो गोचर करने वाला है द्वादश में, ट्वेल्थ हाउस जो कि है हमारे, वो ट्वेल्थ हाउस जो है मोक्ष का घर है। ट्वेल्थ हाउस दिखाता है फॉरेन लैंड्स को, जैसे आश्रम हो गए, जैसे अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में, शायद अगर आप कश्मीर में हैं तो कन्याकुमारी भी आपके लिए फॉरेन जैसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ का वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है ना, और बोलने का जो शैली है वो भी अलग है। तो अगर आप इंडिया के किसी पार्ट में रह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे एक जगह में जाए, एक्सट्रीम एंड में ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आप फॉरेन जाए ना, अमेरिका जाए या यूएस या यूके जाए या जर्मनी जाए, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। तो
उसके अलावा जो द्वादश है, ट्वेल्थ हाउस है, वो मोक्ष का जो घर है वो है। तो उसके वजह से क्या हो सकता है, आपको ऐसा मन कर सकता है कि मुझे अभी कुछ चीज़ों को छोड़ना है। ऐसा आपको मन हो सकता है, क्योंकि मोक्ष क्या है, अल्टीमेटली मोक्ष का मतलब है कि आप भौतिक चीज़ों से दूर हट के आप आध्यात्म की ओर जाए, भगवान पे चिंतन लगाए। तो उसके वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि अभी मुझे ईश्वर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि आपके भौतिक चीज़ें जो है, आपके हस्बैंड वाइफ या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जो भी हो आपके। इसका मतलब ये नहीं कि आप जंगल चले जाए, मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास सब सब होते हुए भी आपको लगेगा कि मुझे थोड़ा भगवान पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उसके वजह से आपका जो धर्म और आध्यात्म की तरफ जो रुझान है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप अलग रहने का मन करेंगे थोड़ा, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस जो है वो सेक्लूजन, लोनलीनेस ना, तो उसका भी है। तो इसको आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप थोड़े दूर जाके आप अपना थोड़ा साधना कर सकते हैं, आप शास्त्रों को पढ़ सकते हैं आप अपने आप से, या तो आश्रम में जा सकते हैं जो थोड़े भौतिक दुनिया से थोड़ा अलग है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और जाके आप अपने एकांत में आप चिंतन लगा सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा है ये। और अगर आप डोनेशंस देना चाहते हैं धनु लगन वाले, क्योंकि आपका तो लग्नेश है ना, बहुत ज़रूरी हो जाता है। लग्नेश जब द्वादश में गोचर करता है तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप डोनेशंस वगैरह दें। आपका चतुर्थेश भी है तो आपका पढ़ाई या इस सिलसिले में भी कुछ है, आपका पीएचडी रिलेटेड कुछ हो सकता है फॉरेन में, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपका दशा के ऊपर, क्योंकि चतुर्भाव जो है दिखाता है हमारा एजुकेशन कहाँ है, कैसा है एजुकेशन, ठीक है। तो चतुर्थेश जब द्वादश में जाता है तो हम ऐसा हो सकता है कि हम बहुत दूर कहीं जाते हैं ना पढ़ाई के लिए, और ऐसा हो सकता है कि हमारे बच्चे जो है, क्योंकि गुरु जो है बच्चों का भी कारक है, वो भी कहीं, वो लोग भी कहीं दूर जाए पढ़ने, ऐसा हो सकता है, या हमसे थोड़ा दूर हो जाए किसी चीज़ की, कोई एक काम के वजह से, ऐसा भी हो सकता है। दूर मतलब अंदर, मतलब बाहरी तरीके से वो हो सकता है, कहीं बाहर जाए घूमने उमने, ऐसा भी हो सकता है। और बाकी जैसा मैंने कहा, डोनेशंस के लिए बहुत सही है। तो वामन देव के किसी मंदिर में आप डोनेशन दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो विष्णु अवतार है ये गुरु का, वो है वामन देव। तो वामन देव के किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं, और ये मंत्र भी आप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते श्री वामनाय। फिर से मैं बोलता हूँ, ओम नमो भगवते श्री वामनाय, ओम नमो भगवते श्री वामनाय। ये मंत्र आप कर सकते हैं 108 बार, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये आपको धर्म और अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रुझान देगा, और इसके वजह से आपको लगेगा कि मैं जब अध्यात्म की ओर जाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो ये जो द्वादश में जो गोचर होगा, इसका अच्छे से आप उपयोग कीजिए। और आप YouTube और इंटरनेट में वीडियोस देखेंगे कि गुरु जब द्वादश में गोचर करता है तो बहुत बुरा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, ये अध्यात्म के लिए सबसे अच्छा होता है, नौवें और अष्टम से भी ज़्यादा अच्छा होता है कि द्वादश में, क्योंकि द्वादश जो है आपको एक्चुअली में सिखाता है कि कैसे अध्यात्म की ओर कैसे जाया जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए। अभी आते हैं हम मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वाले, उनका गुरु गोचर करेगा आपके लिए एकादश में, एकादश जो लाभ भाव है, तो मकर राशि वालों के लिए थम्स अप पहले से ही। तो मकर राशि वाले, आपका गुरु एकादश जो लाभ स्थान है वहाँ जाने वाला है। गुरु जो है वृद्धि करता है, वृद्धि का कारक है, तो एकादश किसी भी चीज़ का लाभ देता है, लाभ अर्थात किसी भी चीज़ का। लोग कहते हैं कि बच्चे के लिए अच्छा, शादी के लिए अच्छा, कैरियर के लिए अच्छा, नहीं, किसी भी चीज़। तो आप जो भी करना चाहते हैं अभी, जो भी, उसमें आपको लाभ मिलेगा आपके दशा के अनुसार। कितना लाभ मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपके दशा के ऊपर, वो उस पर निर्भर है। लेकिन जब एकादश में गुरु जाता है तो क्या होता है, जैसा एकादश जो है आपके दोस्तों का भी है, आपके जो आपका जो सोसाइटी है ना, बड़ा जो सोसाइटी है जिसके आजू बाजू आप रहते हैं, जो आपके बड़े वाले लोग हैं, आपके सीनियर्स,
वो लोग भी एकादश से देखे जाते हैं। तो जब गुरु एकादश में गोचर करता है तो क्या होता है, गुरु जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो आप में एक ऐसी शुभता आ जाती है कि मुझे उन लोगों के साथ आपको मिल बांट के चीज़ें करने में बहुत आसानी हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपका जो सीनियर है आपसे कोई वरिष्ठ है वो आपको बोले कि हमारे पास आपके लिए एक नया जॉब ऑफर है, आप वहाँ जा सकते हैं, आप यहाँ जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि एसोसिएशंस का भाव है, एकादश भाव जो जिसको बोलते हैं हम, तो उसके वजह से आपके जान पहचान के कोई आदमी, कोई रिश्तेदार या आपके कोई वरिष्ठ आपको फ़ोन करके बता सकते हैं कि आप ऐसा करो। और इसका मतलब ये नहीं कि जो भी कुछ वो बोले आप कर ले, बट इसका ये एक बहुत बड़ा आपको एडवांटेज मिलेगा कि उनका गाइडेंस मिलेगा आपको। और एकादश जो है वो आपके लोगों को दिखाता है, तो गुरु वहाँ आ रहा है मतलब आपको बहुत सारे गुरु जैसे लोग मिलेंगे, मतलब आपको बहुत बढ़िया गाइडेंस मिलेगा इस टाइम। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कोई कंसल्टेशन लेने के लिए तो भी आपको फ़ायदा होगा, आपको असली असली चीज़ें आपको मिलेगी जो चाहते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे, आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या जो भी आपका व्यवसाय है या कुछ भी, तो उसमें भी आपको अपने जैसे ऐसे लोग मिलेंगे ना, दोस्त या आपके आजू बाजू वाले लोग जो आपको बहुत प्रेरणा देंगे, आपको बहुत मोटिवेशन देंगे कि आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि एकादश जो है वो प्रेरणा का भी स्थान होता है, क्योंकि लोग ही आपको प्रेरणा देते हैं और कभी लोग ही आपको नीचे गिराने का कोशिश करते हैं। तो गुरु जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है वो जब जाता है तो आपके आजू बाजू के जो लोग हैं ना बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, आप देखेंगे, आप नोटिस कीजिएगा ये। और आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बहुत ज्ञानी है, क्योंकि गुरु जो है ज्ञान का कारक है। तो अभी जो एक साल है आपके मकर राशि वालों के लिए, बहुत ज़रूरी है कि आप लोग कोशिश करें कि आपके आजू बाजू के लोगों से आप जितना ज्ञान ले सके। वो हनुमान जी ने एक बार कहा था कि अच्छी शिक्षा जहाँ से भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो मकर राशि या लगन वाले, जहाँ से भी आपको कोई भी चीज़ नॉलेजेबल लगे उसको आप ले लीजिए। और इसके अलावा आपको अगर प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं आप, आपको प्रमोशन चाहिए जॉब में या आप नया बिज़नेस खोलना चाहते हैं, और एकादश जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप का भी है, तो आप अगर अपना कोई नया कंपनी खोलने का प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत सही टाइम है खोलने के लिए। क्योंकि जब आप नए कंपनी खोलते हैं तो आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए दूसरे लोगों से जो सीनियर्स हैं आपके, तो अभी आपको वो मिलेगा। तो अभी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपना कुछ शुरू करूँ तो ये सबसे उत्तम समय है आपके लिए, इससे उत्तम समय नहीं मिलेगा आपको। तो आपके जो आइडियाज़ है, आपके जो थॉट प्रोसेस है, उसको आप प्रैक्टिकली अभी करना शुरू कीजिए, ठीक है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो भी करना चाह रहा हूँ ना किसी तरीके से वो काम हो जाता है। तो ये बहुत सही टाइम है आपके लिए, और इसका पूरा अच्छे से उपयोग कीजिए। और एकादश जो है आपके बड़े भाई का भी है, और आपके बड़ी बहन जो आपके एल्डर्स है उनका भी है। एल्डर मतलब आपसे बड़े जो है, आप ही के लेवल में, आपके फादर वगैरह नहीं, आप मतलब आपके बड़े भाई वैसे, आपके बड़े कजिन्स जो है, चचेरे भाई वगैरह, वो सब भी एकादश से ही हम देखते हैं। तो उनसे भी अच्छा रिलेशन रखिए, और उनसे कोई मन मुटाव हो गया तो उनको भी फ़ोन कीजिए, मनाने का कोशिश कीजिए और उनकी सलाह लीजिए, और उनके ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा होने का चांस है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए मकर राशि वालों के लिए, तो इसका भरपूर उपयोग कीजिए। उसके बाद हम आते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों के लिए गुरु गोचर करेगा 10वें स्थान में एक्वेरियस राशि। तो एक्वेरियस राशि के लिए गुरु जब 10वें में गोचर करेगा तो आपका जो मान सम्मान है उसमें वृद्धि होगा, क्योंकि 10वां स्थान जो है ना उसको अंग्रेजी में मिड हेवन बोलते हैं, क्योंकि सूर्य वहाँ पे दिग्बल का होता है 10वें स्थान में। क्योंकि 10वां स्थान ये बताता है कि आप ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया है जो आप अपने कैरियर में लगाना चाहते हैं
तो ये बेस्ट टाइम है कि आप उसका उपयोग करें, क्योंकि अब उस एरिया में वृद्धि होगा। या अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई डोमेन चेंज करूं, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का आदमी हूं, तो जैसे मेरा डोमेन है पाइथन लैंग्वेज, तो अगर कोई चाहता है कि मैं पाइथन से जावा या सी प्लस प्लस में शिफ्ट करूं, तो ये सबसे उत्तम टाइम है। क्योंकि इस टाइम आप करियर में, स्पेसिफिक करियर में आप जो भी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये, क्योंकि वहाँ पे ना आपका बहुत वृद्धि होगा, क्योंकि गुरु वृद्धि का कारक है। तो वो आपका दसवां स्थान जो है उसमें बहुत वृद्धि हो जाएगा। तो उसमें वृद्धि होने के वजह से क्या है, लोग आपको देखेंगे। देखिए, सूर्य जब दसवें घर में होता है ना, तो वो कब होता है, जब दोपहर का वो टाइम है ना, 11-12 बजे के आसपास, वो टाइम में बहुत शक्तिशाली होता है। सब सूर्य को देखते हैं, अरे बाप रे सूरज निकला है ना, इतनी गर्मी है, सूरज का जो ताप है सबको महसूस होता है उस समय। तो उसके वजह से क्या होगा कि आप जो भी करना चाहेंगे उसमें लोग बोलेंगे कि हाँ, इसने तो कुछ किया है लाइफ में, इसने कुछ अचीव किया है ज़िंदगी में, इसने कुछ पाया है। तो लोग आपकी जो स्टेटस है उसमें वृद्धि होते देखेंगे। और अगर आपका कोई बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस या कुछ भी हो, तो आप इस तो आपके जो रेट्स हैं, आप अगर किस तरीके कोई तरीके का कंसल्टेशन देते हैं ऑनलाइन, मान लीजिए, या आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इस टाइम आप उनके प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ इस टाइम आप प्राइसेस बढ़ा सकते हैं और आपकी आमदनी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी उसके वजह से। तो ये काम आप कर सकते हैं, ज़्यादा मत बढ़ाइएगा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप। तो और दिक्कत क्या है उसमें, आपकी आमदनी बढ़ेगी उससे ना। और आपके जो दसवां घर वो भी दिखाता है, हमारा जो बॉस है ना, हमारे जो गॉडफादर है जैसे, तो वो लोग है दसवां घर, तो उन लोगों से भी हमें सपोर्ट मिलेगा। अचानक आपको हो सकता है कि आपका बॉस आपको फ़ोन करके बोले कि मैं तुम्हें प्रमोशन देना चाहता हूँ, तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आता है, ऐसा हो सकता है। या तो अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो अभी आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको एक्सपांड करने का कोशिश करें। अगर आप स्टेट लेवल पे है तो उसको आप नेशनल लेवल पे लेके जाइए, और अगर आप नेशनल लेवल पे ऑलरेडी कर रहा है कोई व्यवसाय, तो उसको कोशिश कीजिए कि आप इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए, और इंटरनेशनल लेवल पे है तो उसको और इंटरनेशनल करने का कोशिश कीजिए। तो आपके व्यवसाय वगैरह के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि दसवां स्थान में जो भी ग्रह होता है वो शुभ फल ही देता है 99%। तो लोग ये कहेंगे आपके बारे में कि आपने बहुत सक्सेस पाया इस साल में। ये देखिएगा आप नेक्स्ट ईयर तक कुंभ लगन वाले जो है, लोग आपको बराबर बोलेंगे, अरे इसने तो बहुत अचीव किया है लाइफ में, बहुत सक्सेस मिला है इसको, एक साल में पता नहीं क्या बहुत ग्रोथ हो गया इसका, तो ऐसा लोग बोलेंगे आपको। वो आपके दशा पे डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी दशा चल रही है और आपका पूरा हॉरोस्कोप कैसा है, लेकिन ये साल बहुत ही पॉजिटिव है आपके कैरियर के लिए। तो इसको कृपया अच्छे से इसका प्रयोग कीजिए और बाद में आपको बहुत इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम दूसरे राशि में आते हैं, तो अभी हम आ जाते हैं मीन राशि पे। तो मीन राशि वालों के लिए गुरु गोचर करने वाला है आपके नवे स्थान पे। नवा स्थान आपके पिता का है, तो नवे स्थान में जब गुरु गोचर करता है तो आप देखेंगे कि आपके पिता से आपको बहुत सपोर्ट मिलने लगा है। आपके पिता के ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है, ऐसा दिखने को मिलेगा आपको। आपको ऐसा दिखने को मिलेगा कि आपके फादर के साथ जो रिलेशन है ना, उसमें बहुत सुधार आया है, ऐसा दिखने को मिलेगा। और उसके अलावा नवा स्थान जो है उच्च शिक्षा का भी है, जैसा मास्टर्स हो गया, PhD हो गया, पोस्ट डॉक हो गया, उन सब चीज़ों का है। तो हायर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन जिसको बोलते हैं हम, तो नवा स्थान जो है जब गुरु उसमें घुसेगा तो आपको लगेगा कि मुझे अभी कोई उच्च शिक्षा लेनी चाहिए, कोई हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। और उच्च शिक्षा किस एरिया में लेंगे वो डिपेंड करेगा आपके हॉरोस्कोप का, आपका इंटरेस्ट क्या है। मैं तो कहूँगा जिस चीज़ पर आपको रुचि है उस चीज़ में आप जाइए, वो आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद होगा। और किसी भी एरिया में आपको ज्ञान लेना है ना, नवा स्थान ज्ञान का भी बहुत बहुत ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है ये, क्योंकि ये धर्म और आध्यात्म का भी है।
और जब गुरु इसमें आएगा, गुरु नैसर्गिक कुंडली में नवमेश है ना, धनु राशि जो नैसर्गिक नवा नवा घर है हमारा, तो उसके वजह से हमको ये दिखने को मिलेगा कि हमारा आध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है। हमें जो हमारे शास्त्र है वो पढ़ने की बहुत तीव्र लालसा हमें जागृत होगी, जैसे गीता हो गया, भागवत हो गया, पुराण हो गया, महाभारत रामायण, या अगर आप मुस्लिम हैं तो कुरान हो गया, क्रिश्चियन है तो बाइबल हो गया, तो जो भी है आपका जो भी आपका कनेक्शन है भगवान से, जो भी लिंक है आपका ऊपर वाले से, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा इस टाइम। और आपको लगेगा कि अभी मुझे ज्ञान लेना चाहिए, तो अभी आपके लिए बेस्ट है कि आप किसी गुरु के पास जाके या तो शिक्षा ले, या तो दीक्षा ले, या नया कोई कोर्स शुरू करे, या कोई काउंसलिंग सेंटर में आप जाए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि गुरु नवे में गोचर कर रहा है और नवा स्थान भी गुरुओं का ही होता है, तो उसमें भी वृद्धि हो जाएगी, आपको बहुत सारे काउंसलर्स मिलेंगे, बहुत सारे गाइड्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको प्रेरणा देंगे कि कोई उच्च शिक्षा ले या धर्म की ओर जाइए, तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ही बढ़िया। और नवा भाव जो है लंबी दूरी का भी है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका काफ़ी लंबा ट्रैवल हो, जैसे द्वादश दिखाता है कि आपका इंटरनेशनल ट्रैवल हुआ हो एक देश से दूसरा देश, लेकिन नवा घर दिखाता है कि आपका एक ही कंट्री में एक छोर से दूसरे छोर में आपका ट्रैवल हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और नवा स्थान जो है तीर्थ यात्रा का भी है, ठीक है, तो तीर्थ यात्रा में भी आप जा सकते हैं, अलग अलग होली प्लेसेस जो है हमारे तीर्थ स्थान, जैसे रामेश्वरम हो गया, फिर कांचीपुरम हो गया, फिर बद्रीनाथ हो गया, फिर जगन्नाथपुरी हो गया, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मक्का में भी जा सकते हैं, अभी मुझे पता नहीं कब जाते हैं क्या करते हैं, लेकिन अभी जा सकते हैं, और अगर आप ईसाई है तो आप जा सकते हैं वेटिकन, ये सारी जगहों पर आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगा इन सब चीज़ों से, क्योंकि वहाँ से वो लगन को दृष्टि डालता है, गुरु लगन को दृष्टि डालेगा और आपके पांचवें घर को भी दृष्टि डालेगा, तो हो सकता है इस टाइम आपके किसी गुरु से आपको दीक्षा मिल जाए, या आपको एक कोई बड़ा सा गाइड मिल जाए, ऐसा हो सकता है कि आप PhD कर रहे हैं और आपका गाइड से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस टाइम आप देखेंगे कि आपके गाइड्स है जो आपका रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें सुधार आया है, आपका गाइड आपसे खुश रहेगा, और आपको भी कोशिश करना चाहिए कि मैं भी अपने गाइड को खुश रखूं, तो उस तरीके से क्या होगा कि कोई मनमुटाव नहीं रहेगा ना, आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपके गाइड के साथ बहुत अच्छा बनेगा। और कोशिश कीजिए कि आपके पास अगर कोई गाइड नहीं हो या आप किसी गुरु को ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया टाइम है एक गुरु के पास जाने का, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई गुरु है किसी एरिया में तो उनसे ज्ञान लेते रहिए और उसमें भी बढ़ोतरी कीजिए, लेकिन अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो ये टाइम बहुत सही है कोई किसी गुरु के पास जाने के लिए, ठीक है। तो आपके आसपास में आपके सिटी या गांव या टाउन, जहाँ पे भी शहर में आपका कोई ऐसी कोई धार्मिक संस्था है, स्थल है जहाँ पे आप जा सकते हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे आप आना जाना आप लगा सकते हैं ना, तो वो बहुत सही रहेगा आपके लिए। तो नवा स्थान में गुरु का जो गोचर है उसके लिए थम्स अप पहले से ही, सभी अच्छा ही है, वो नवा स्थान बहुत ही शुभ है, वो सबसे शुभ स्थान है इनफैक्ट हमारे हॉरोस्कोप का, पंचम और नवम त्रिकोण जिसको बोलते हैं, और आपकी दीक्षा भी हो सकती है इस टाइम, अगर आप बहुत दिन से कोई अध्यात्म का प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी संस्था में, तो ऐसा हो सकता है कि आपको दीक्षा मिले किसी गुरु से, और आप जाके ये भी बोल सकते हैं अपने गुरु को कि मुझे अभी दीक्षा दे दीजिए, मेरा हो गया है ये वो, अगर आपको लगता है कि आप पूरा जीवन भर कर सकते हैं वो प्रैक्टिसेस, कोई मेडिटेशन या को जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, तो वो सब आप कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए, और इसका प्रयोग कीजिए अच्छे से, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। अभी आते हैं मेष राशि वालों के लिए, तो मेष राशि वालों आपका गुरु गोचर करने वाला है अष्टम स्थान में, तो आपका अभी जो धर्म आध्यात्म की तरफ जो रुझान है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा जो खुफिया चीज़ें हैं ना उस पर आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, ज्योतिष हो गया, क्योंकि वो गुप्त चीज़ है, जो भी गुप्त है ना सारा अष्टम में आता है, जैसा आयुर्वेद पुरानिक है वो एकदम,
कब निकला था, किसने लिखा था, बहुत ही पुराना है, हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने लिखा है वो सब। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको मन करेगा कि ऐसा हो सकता है कि आपका जो जॉब है उसमें ऐसा हो सकता है कि अचानक कुछ छिपी चीज़ों से आपको डील करना पड़े, ऐसा हो सकता है, जो चीज़ें छुपी हुई है, या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा राज खुले जो आपको पहले पता ही नहीं था आपके कंपनी के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करें, आप धर्म और आध्यात्म में जो भी कर रहे हैं वो करते रहे, क्योंकि अष्टम स्थान जो है ना वो गुप्त स्थान है और भय का भी स्थान है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, अनावश्यक भय आ सकता है आपके जीवन में, जिसकी आवश्यकता नहीं, आप बिना मतलब के किसी चीज़ों पे आपको खौफ आ सकता है, आप ऐसे ही डर सकते हैं। तो आपके लिए भी मैं दो मंत्र रेकमेंड करूँगा, जैसे एक मंत्र हो गया ओम नमो नारायणाय, क्योंकि ये शनि के लिए बहुत ज़रूरी है ये मंत्र, क्योंकि शनि जो है छठे आठवें और द्वादश, 6, 8, 12 जो हमारे दुस्थान है उसका कारक है। और एक दूसरा मंत्र आप कर सकते हैं जो द्वादश वाले भी कर सकते हैं, धनु लगन वाले, जो कि है ओम नमो भगवते श्री वामनाय। तो ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते श्री वामनाय, ये तो मंत्र आप कर सकते हैं। और अष्टम स्थान जो है वो रिसर्च का भी है, तो अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं अपने जीवन में लेकिन उसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं है, तो अभी वो टाइम है कि आप उसमें डेप्थ में घुसे। मान लीजिए आप कहीं ज्योतिष सीख रहे हैं, तो अभी आप पूरे रिसर्च में जाइए, 10-20 हॉरोस्कोप उठाइए, 50 हॉरोस्कोप लेके एक टेक्निक आप उसमें ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, तो उससे आपको डेप्थ मिलेगा हर एक चीज़ में, आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी मिलेगा, और उससे आपको ना वो उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी कि मैं किसी भी चीज़ में ना बहुत गहराई में घुस रहा हूँ। वो आपकी पढ़ाई में हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट है ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी टाइम है कि आप अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से आप पढ़ाई करें, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप बिजनेस में हैं तो ऐसा कर सकते हैं, आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते थे कि मैं ट्राई करूं ना, कुछ गुप्त चीज़ें, कुछ नया बेसिकली, तो वो सब भी आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तो ट्राई कर ही सकते हैं आप ना। या ऐसी कोई चीज़ जो कभी किसी ने निकाला नहीं हो, आविष्कार का भी भाव है, अष्टम भाव आविष्कार का भी है, हम जानते हैं उसको, क्योंकि वो पुनर्जन्म है ना, पुनर्जन्म का भी घर है वो, मौत का भी घर है वो मृत्यु का, तो हम ऐसा कोई आविष्कार भी कर सकते हैं। वो हमारे दशा पे डिपेंड करेगा कि हम किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हम कोई नया आविष्कार, इन्वेंशन, ये सब कर सकते हैं, हम कोई डिस्कवरी भी कर सकते हैं ना। तो मेरा आपसे एक ही सजेशन रहेगा कि आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में, मंत्र कर रहे हैं या शादी है आपकी जो भी है, या आप सन्यासी है या आप कहीं फॉरेन में रहते हैं, या जो भी कर रहे हैं आप, या आप व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें डेप्थ में घुसिए, उसमें ज़्यादा डिटेल लेके आप फोकस कीजिए लाइफ में। अभी आपको लाइफ में फोकस करना है, ऊपरी स्तर में मत रहिए, सुपरफिशियली फोकस करिए लाइफ में, वो आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब आप ये करेंगे तो आपको दिखेगा कि अष्टम स्थान ऐसी चीज़ें मुझे देगा जो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, वो चीज़ें आएंगी, क्योंकि वो सागर मंथन का जो हम प्रसंग जानते हैं ना, जो शास्त्रों में है हमारा, कि अमृत निकल के आया था एकदम आखिर में, तो अमृत जैसा कुछ तो निकल के आएगा हमारे जीवन में। जैसा अगर हम जैसे महादेव शिव जी ने वो विष, हलाहल विष का पान किया था ना, तो जब आप विष को पीते हैं तो ही हलाहल निकलता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो भयभीत मत होइए, आप YouTube में वीडियोस देख सकते हैं कि अष्टम स्थान में जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे आपका इंसल्ट होगा, ये होगा, वो होगा, खैर वो सब दशा पे डिपेंड करेगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा हो या बुरा हो आपके हाथ में तो कुछ चीज़ें हैं, सबके हाथ में सब कुछ नहीं है आपके हाथ में, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि आप लाइफ में डेप्थ में घुसिए, जो भी आप कर रहे हो उसमें बहुत गहराई से कीजिए, उसको बहुत इंटेंसिटी से कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि उतना भी बुरा नहीं है अष्टम स्थान जितना बोलते हैं, ठीक है। और वो दो मंत्र जो मैंने बोला है उसको करते रहिए, ठीक है। माय बेस्ट विशेस टू यू। उसके बाद हम आते हैं टॉरस राशि पे। टॉरस यानी कि
वृषभ राशि नंबर दो जो राशि है, चंद्रमा की उच्च राशि है ये, और आप लोगों के लिए गुरु गोचर करेगा सप्तम स्थान में, 5+2। सप्तम स्थान जो है आपके विवाह का घर है, तो कोई भी वृषभ लगन वाले बैठे हैं कि हमारी शादी कब होगी, भैया आपका टाइम आ गया है या कोई भी किधर भी बैठा है जो सोच रहा है कि मुझे अभी प्रपोजल्स देखना चाहिए, अगर आप अरेंज मैरिज करने वाले हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बोल सकते हैं, इनफैक्ट अभी से ही बोल दीजिए कि मम्मी पापा देखना शुरू करो वो शुरू कर दीजिए, तो विद इन 1 ईयर आपकी शादी हो सकती है अगर दशा आपका परमिट कर रहा है तो। बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए, क्योंकि सप्तम से गुरु जो आपके लगन को दृष्टि डालेगा, आपके तीसरे स्थान को दृष्टि डालेगा, आपके एकादश को भी दृष्टि डालेगा, तो इसके वजह से आपको आपकी देखिए सप्तम स्थान और एकादश जो है ना वो आपके लोगों को दर्शाता है। तो जब गुरु सप्तम में जाता है तो आपका जो नेचुरल जो आपका जो इंटरेक्शन है ना लोगों से बहुत ही शुभ हो जाता है, मतलब बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है उसमें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, आपका मैरिज में अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और उसमें अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है, कोई आपको प्रॉब्लम्स दिख रहा है ना, तो अभी टाइम है कि आप सुलह कीजिए अपने मैरिज पार्टनर के साथ, वो आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। उसमें आप अच्छे से बैठ के मिल बैठ के बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी गुरु जो है ना सप्तम स्थान जो है आपके हस्बैंड या आपके वाइफ का जो लगन है वो माना जाता है, ठीक है, तो उसके लगन पे उसका असर होगा, मतलब आपके जो जीवन साथी है उनको भी लगेगा कि हाँ हमें भी अपने शादी या हमारे रिलेशनशिप में सुधार लाना चाहिए, ठीक है। तो उसके वजह से आप अभी साथ में जो भी करना चाहते हैं ना वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप साथ में दोनों मिलके कोई नया बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं पति पत्नी मिलके कोई बिज़नेस शुरू किया है तो वो भी कर सकते हैं, और आप ऐसे भी अपने व्यवसाय में भी बिज़नेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि सातवां घर जो है स्पेसिफिकली बिज़नेस का है, व्यवसाय के टर्म्स में वो व्यवसाय का है, बिज़नेस का है, तो आपकी बिज़नेस में बढ़ोतरी हो सकती है, बिज़नेस में आप बहुत तरक्की कर सकते हैं इस टाइम। आप ऐसे ऐसे डील्स ऐसे ऐसे नेगोशिएशंस कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया हो, और मान लीजिए और क्योंकि गुरु 12 साल में एक बार आता है ना, 12 साल बाद आएगा आपके सप्तम में, तो आपका विवाह आपके आजू बाजू के लोग जितने लोग हैं, सातवां घर बेसिकली दिखाता है आपके करीबी लोग जो है ना उनको दिखाता है, और हमारे सबसे करीबी हमारे हस्बैंड या वाइफ ही होते हैं जनरली, तो इसीलिए वो हस्बैंड वाइफ का भी घर होता है, ठीक है, सप्तम भाव, लेकिन इन जनरल वो बाकी लोगों को भी दर्शाता है जो हमारे बहुत करीब के है ना, तो उनसे भी अगर हमारा कोई मनमुटाव है तो उसको भी ठीक करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा व्यवसाय में तो बहुत अच्छा है ही आपके लिए, और आप ना बड़े स्तर पर कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, जैसे अगर आपका यूट्यूब में चैनल हो तो आप दूसरे यूट्यूबर्स को इनवाइट कर सकते हैं अपने चैनल पे, ठीक है। और अगर आपका मान लीजिए कोई एक चीज़ में व्यवसाय है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी नई नई एरियाज़ पे आप ये कर सकते हैं ना, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसा आपका मान लीजिए टूथपेस्ट का बिज़नेस है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप अभी शैम्पू का बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ पर कैसा जा रहा है, अपना स्तर को बढ़ाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सप्तम स्थान जो है दशम से दशम है वो ना, दसवें घर का भावत भावम है वो, तो उसके वजह से सप्तम स्थान वो भी दिखाता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोग हमें किस तरीके से देखते हैं, तो इसके वजह से हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोग हमारे बारे में सोचे कि अरे इसने तो बहुत ज़्यादा तरक्की किया है जीवन में, तो ये हमारे लिए हो सकता है अगर हम चाहते तो इसके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि हम अच्छे से हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारे कनेक्शंस है जो हमारे पास ऑलरेडी है उनको स्ट्रेंथन करें और उसके बाद नए कनेक्शंस बनाने का कोशिश करें, तो वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो वृषभ राशि वालों के लिए अगर आपकी शादी होने वाली है, जैसा मैं बहुत सारे वृषभ लगन वालों को जानता हूँ उनकी शादी होने वाली है, एटलीस्ट 2-3 को तो जानता ही हूँ, और आप सबके लिए ऑल द बेस्ट जो भी आप करने वाला है, थम्स अप उसके लिए, ठीक है, नमस्कार मेरा।
उसके बाद आते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी जोडियक साइन जो है, जेमिनी वालों के लिए गुरु आपके छठे घर में गोचर करने वाला है। तो अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने हेल्थ की ओर ध्यान दें। अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अभी समय पर खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, ज़्यादा होटल वगैरह में ना खाएं। आप दिन में हमेशा ही कोई योगा करे, या कोई आप जिम जाए या दौड़ने जाए। फिज़िकल एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि छठा घर में जब गुरु जाता है ना, तो आपको बड़ा पॉजिटिव लगेगा एक्सरसाइज करते टाइम। आप में लेजीनेस नहीं रहेगा, आपको ये नहीं लगेगा अरे यार क्या फिर से ये जिम जाना है, मेरे को तो मन नहीं जाने का, ऐसा नहीं लगेगा आपको। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जिम तो मैं जा ही सकता हूँ, जिम में ज़रूर जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप नया जिम में मेंबरशिप ले सकते हैं, या कोई नया योगा सेंटर में आप रजिस्टर करवा सकते हैं इस टाइम, ठीक है। क्योंकि छठा घर जो है आपके हेल्थ का होता है, बहुत ज़रूरी है। और गुरु जो है नेचुरल शुभ कारक है, वो नैसर्गिक शुभ का। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका हेल्थ में कोई दिक्कत आ रहा है, वो एलोपैथी से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप अभी आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं, या तो होम्योपैथी की तरफ जा सकते हैं, प्राणिक हीलिंग की तरफ जा सकते हैं, रेकी की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो माध्यम है हीलिंग के ना, तो उन सब चीज़ों को भी आप अभी ट्राई कर सकते हैं। और देख लीजिएगा, ज़्यादा इधर उधर हाथ पाँव मत मारिएगा, क्योंकि आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है अगर आप दसों चीज़ों को एक साथ करें। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आप ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो मैं तो कुछ लोगों को जानता हूँ जो जब गुरु छठे में गोचर किए थे, तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से उनको काफ़ी हेल्प मिला था, तो ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ। और इसके अलावा छठा घर जो है नौकरी का भी है, तो अगर हम कोई नया नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें नौकरी मिल जाए, ऐसा हो सकता है। या हम जो दिनचर्या में हम डे टू डे बेसिस पे जो काम करते हैं ना, डेली बेसिस पे, उस एरिया में हमारी बढ़ोतरी होगी। तो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लाइफ में कि हम डिसिप्लिन रखें, क्योंकि छठा घर जो है वो डिसिप्लिन का भी है। तो लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमें अच्छे से एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि हम सुबह इतने बजे उठेंगे, इतने बजे एक्सरसाइज करेंगे, इतने बजे हम मंत्र करेंगे, इतने बजे हम गीता पढ़ेंगे, थोड़ा देर पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़ते तो। उसके बाद हम इतने बजे खाना खाएंगे, और उसके बाद हम इतने से इतने तक नौकरी करेंगे, फिर रात को आके सो जाएंगे। ज़्यादा पार्टीज़ वार्टीज़ में मत जाइएगा, ज़्यादा अगर आप मदिरा वगैरह पान करते हैं तो मत कीजिएगा ये साल अगर पॉसिबल है तो। और अगर आप मांस खाते हैं, मांसाहारी है, तो कोशिश कीजिए कि उसको कम किया जाए, और ज़्यादा सात्विक आहार आप खाएं, जैसे ना हमारे वेजिटेरियन जो है शाकाहारी जो वो खा सकते हैं, तो उससे आपके हेल्थ में बहुत ही बढ़ोतरी होगी, आपका हेल्थ बहुत इम्प्रूव होगा। आपको अंदर से एक लगेगा कि कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरे लाइफ में ना, आपको अंदरूनी तरीके से वो फीलिंग आएगा, तो बहुत सही है आपके हेल्थ के लिए। और नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें डेडिकेटेड तरीके से काम कीजिए, और उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाइए। आप जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में, उसमें एफर्ट ज़्यादा लगा दीजिए आप, तो उसके वजह से क्या होगा, आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी आप एफर्ट डालते हैं वहाँ पे ही आपको रिटर्न्स मिलेगा, ठीक है। और छठा घर जो है झगड़े का भी है, क्योंकि दुस्थाना है ना वो, तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी से झगड़ा किए थे पहले, तो अभी वो टाइम है कि आप उनसे मनमुटाव जो है आप दोनों के बीच में उसको आप सुधार सकते हैं, उसको फ़ोन मार सकते हैं उस आदमी को कि भाई ऐसा ऐसा हो गया था, माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ऐसा ऐसा कर सकते आप। तो तब क्या होगा, वो आपके जो दुश्मन हैं, दुश्मन नहीं बोलूँगा मैं, आपके जो लोग आपसे रुष्ट हो गए हैं, या जो लोग आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने ऐसा कुछ कर दिया था पहले, तो वो लोग ये आपको अभी चांस देंगे, आपको माफ़ करेंगे। और आपके दिल में भी किसी के लिए कोई द्वेष या कोई ऐसी भावनाएं हैं जो अनुकूल नहीं है, आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी उनको माफ़ कर सकें, ठीक है। तो यही चीज़ है छठे भाव का। और अगर आप YouTube में देखें तो आपको दिखेगा कि अरे छठा घर बहुत बुरा है, ये है, वो है, वो सही है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करें ना, तो आपके लिए अच्छा होगा वो।
तो हेल्थ पे फोकस कीजिए, डिसिप्लिन रखिए लाइफ में, ज़्यादा टीवी मत देखिए, ज़्यादा मूवीज़ में मत जाइए, हेल्थ पे फोकस कीजिए, काम पे फोकस कीजिए, हेल्थ और काम यही दो शब्द है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अनावश्यक किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ को लेकर आप झगड़ा मत कीजिए, इंटरनेट में, फेसबुक में, यूट्यूब में झगड़े में मत जाइए, अरे मैं सोचता हूँ ऐसा है, तू कि तू सोचता है तो क्या होता है, क्योंकि सबका अपना अपना मत होता है। तो उसके वजह से आप थोड़ा सतर्क रहिए कि आपको कोई आपको कोई उकसा सकता है कि अरे तूने ऐसा कैसे बोल दिया ना, तो उसको कोशिश कीजिए कि आप उसको इग्नोर करें, उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, झगड़े में मत घुसिए, बिना मतलब के आप किसी भी ऐसा क्वारल, फाइट, आर्ग्यूमेंट सब मत पड़िए आप। ऐसा हो सकता है कि लोग, मैं बार बार आपको सचेत कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि लोग आपको उत्साह वो करें ना, इंस्टिगेट, लेकिन मत जाइए आप, दूर रहिए, बोल देना हाँ भाई तू सही है मैं गलत हूँ ऐसा बोल देना है ना, आप वो कहते हैं ना हिंदी में आपका गधा आगे मेरा घोड़ा पीछे, वो बोल दीजिएगा नहीं नहीं बोलिए मत, आप बिहेव वैसा कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए छठे घर का हो गया। उसके बाद हम आते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले, आपका गुरु गोचर करेगा पांचवे घर में, बहुत ही बढ़िया टाइम। पांचवा घर कुंडली का सबसे बढ़िया घर माना जाता है, क्योंकि पांचवा घर जो है वो मंत्र का है, प्रेम का है, वो प्रेम, किसी भी तरह का प्रेम हम अपने फादर से करते हैं, हम अपने मदर से करते हैं, हम अपने जीवन साथी से करते हैं, क्योंकि वो बच्चे का भी घर है ना पांचवा घर। तो सबसे पहला मेरा आपको गुड न्यूज़, कॉन्ग्रेचुलेशन यही होगा कि अगर आपकी शादी हो गई है और आप अगर प्लान कर रहे हैं बच्चा करने का अभी, देन ये बेस्ट टाइम है, एक बच्चा तो हो जाएगा क्या पता दो भी हो जाए, ट्विंस, तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए बच्चे को जन्म देने के लिए। और पांचवा घर जो है मंत्र का भी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप कोई नया मंत्र शुरू कर सके। जैसा एक मंत्र मैं बोल सकता हूँ कि ओम नमो भगवते श्री वामनाय, ये मैंने बाकी लोगों को भी दिया है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा पांचवा घर जो है मौज मजाक मस्ती उन सब का भी होता है, वो शराब वराब पीने वाला वो मस्ती नहीं, अच्छा जो आप खुश रहते हैं ना घर में दूसरे लोगों के साथ ना, खुशी मनाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, उस टाइप का सात्विक जो हम सात्विक स्तर पे हम जो चीज़ें करते हैं जो हमें खुशी दे वो कर सकते हैं। पांचवा घर जो है हमारा हॉबीज़ का भी है, तो हम हॉबीज़ में भी हम ध्यान लगा सकते हैं, हमें जिन चीज़ों में रुचि है, रुझान है हमारा जिन चीज़ों में, वो सब पांचवा घर से हम देखते हैं। तो जब गुरु वहाँ जाता है तो सपोज़ आपको ना गिटार प्ले करने में मज़ा आता है, या आपको किताब लिखने में मज़ा आता है, या किताब पढ़ने में मज़ा आता है, तो आपको जो भी काम करना पसंद है उस काम को आप ज़्यादा कीजिए। मान लीजिए आपको कोई पियानो या कोई हारमोनियम बजाना पसंद है, तो ऐसा कर सकते हैं कि आप जैसे ही आए घर में नौकरी करने के बाद या ऑफिस से लौट के जब आप आए, तो आप दिन में शाम में 15 मिनट हमेशा हारमोनियम बजा सकते हैं। आपको अगर यूट्यूब में कोई वीडियो बनाना है तो वो भी कर सकते हैं। और पांचवा घर जो है दसवें से आठवां है, तो वो प्रमोशंस को भी बताता है, तो इस टाइम आपका कोई प्रमोशन भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपके साथ। और उसके बाद पांचवा घर जो आपके बच्चे का है, तो आपका अगर बच्चा नहीं है तो बच्चा हो सकता है, लेकिन आपका ऑलरेडी अगर बच्चा है जीवन में, तो आप अपने बच्चों से आपका जो रिलेशन है ना उसको ज़्यादा सुधारने का कोशिश कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को धर्म, आध्यात्म और इन सब का ज्ञान दे सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि तब क्या होगा ना, आपका जो रिलेशन है ऐसे ही सुधर जाएगा, ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, वो लोग भी आपको पसंद करेंगे ना, वो लोग भी बोलेंगे कि माता पिता से हमारा रिलेशन इम्प्रूव हुआ है, उन लोगों को भी लगेगा कि लाइफ बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वो उनका लगन है ना, पांचवा घर जो है आपके पहले बच्चे का लगन है, तो उनके लिए बहुत सही रहता है ये टाइम। और ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चों को भी कोई अचीवमेंट मिले, या आपको कोई रिकग्निशन मिले आपके बच्चों के वजह से, ये भी हो सकता है। मान लीजिए आपके बच्चे को कोई बहुत बड़े कॉलेज में दाखिला मिल जाता है, ऐसा हो सकता है, तो लोग बोले कि अरे वाह 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 वाह, किसका बेटा है आखिर ना, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, ऐसा हो गया उसके साथ, बहुत बढ़िया। और आपके बच्चों के लाइफ में भी अच्छी चीज़ें हो सकती है, तो उसके वजह से हो सकता है
आपका जो स्टेटस है ना वो बढ़ जाए सोसाइटी में, ऐसा हो सकता है। तो कोशिश कीजिए आपके बच्चों के साथ संबंध सुधारने का, और जो भी आपको पसंद है वो कीजिए, मंत्र कीजिए, गुरु के पास जाइए, क्योंकि वहाँ से वो नवम में दृष्टि डालता है, ठीक है। और क्या बोलूँ मैं, पंचम के लिए तो सब जगह से थम्स अप ही है, तो बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए, अच्छे से उसका उपयोग कीजिए, और जो भी आपको खुशी देती है वो कीजिए। और पांचवा घर जो है हमारे शास्त्रों के अध्ययन का भी है, वो भी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। इंटेलिजेंस है आपका, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो इंटेलिजेंस जब स्ट्रांग होता है तो आपका जो ग्रास्पिंग पावर है ना, आप चीज़ों को जल्दी समझ पाएंगे, दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा इस टाइम। कोई कोशिश भी करेगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये मुझे बेवकूफ़ बनाने का कोशिश कर रहा है, तो आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकेगा इस टाइम, ठीक है। तो ये बहुत ही सही टाइम है आपके लिए। पांचवा घर में जो गुरु का गोचर होता है, मेरे अनुसार पांचवा नौवा तो बेस्ट होता है, एकादश से भी अच्छा होता है पांचवा और नौवा, क्योंकि वहाँ से वो लगन को दृष्टि डालता है ना। लगन को दृष्टि डालेगा तो आपका जो आपके जो विचार है उसमें भी बहुत क्षुब्धता आ जाती है, ठीक है। तो यही बोलूँगा मैं। उसके बाद हम जाएंगे सिंह राशि वालों के लिए, लियो, लियो असेंडेंट्स। आपका गुरु गोचर करेगा चौथे भाव में, चौथा भाव आपके सेटिस्फेक्शन का है, आपके सुख का है, आपके अंत, आपके आपका जो हृदय है ना वो है। तो अभी आपको अचानक महसूस होने लगेगा आपके दशा के अनुसार कि मुझे जीवन में खुश रहना चाहिए, ये आपको महसूस होने लगेगा। तो आप वो चीज़ें करना बंद कर देंगे अभी, जो चीज़ें आपको खुशी नहीं देती है, या जिन चीज़ों ने आपको कभी भी खुशी नहीं दिया है, अगर ऐसा कोई चीज़ है जो आप कर रहे थे, जो आपको रुला रहा था, तो अभी वो आप बंद कर देंगे करना। और चतुर्थ भाव जो है आपके माँ का है, तो इसके वजह से आपके और आपके माँ के जो माता के बीच में जो संबंध है उसमें सुधार आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा सुधार आ सकता है उसमें। तो आपके लिए ये बहुत रिकमेंडेड है कि आप अपने माँ से आपके रिलेशन को और सुधारें, और उनसे ज़्यादा बातचीत करें, और उनसे और प्रेरणा लें, और उनको पूछिए कि माँ आपको कुछ चाहिए ना। अगर आप फॉरेन में रहते हैं तो कोई गिफ्ट लेके आइए उनके लिए, अगर आप नौकरी शुरू कर रहे हैं तो भी गिफ्ट दे दीजिए, माँ बहुत खुश हो जाएगी, माँ बोलेगी कि ओ बेटी गिफ्ट लेके आई है, बेटा मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है ना, नई साड़ी दे दीजिए या सलवार या कुछ भी जो आपके मदर को पसंद है, या कोई मोबाइल दे दीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और चतुर्थ भाव जो है विद्या का है, ठीक है, वो विद्या दिखाता है। तो आप अगर कोई नया पढ़ाई शुरू करना चालू करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सही टाइम है आपके लिए। मान लीजिए आप कोई डोमेन में ऑलरेडी है, तो उसमें अगर आपको आपके व्यवसाय में कोई ट्रेनिंग लेना है तो वो आप कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए बहुत सही टाइम है ये। और अगर आप कोई नई कोई एक नया संस्था खोलने का प्लान कर रहे हैं, जैसा कोई नया स्कूल हो गया, या ऑनलाइन कोई एक एजुकेशनल स्कूल खोलने का आपका प्लान है, तो भी बहुत सही टाइम है वो, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो हमारा स्कूल स्कूल है वो, ठीक है, हमारा विद्यालय है, पुस्तकालय, ये सब आता है चतुर्थ भाव में, नवे घर में भी से हम देखते हैं, लेकिन वो थोड़ा आध्यात्म की ओर हो जाता है। लेकिन भौतिक स्तर पे जो चीज़ें हम ज्ञान अर्जित करते हैं ना, जैसा मैथ्स फिजिक्स हो गया, जो भी हो गया, हमारा अंग्रेजी या हिंदी संस्कृत सारा चतुर्थ भाव में आता है। तो विद्या ग्रहण करने का सबसे अच्छा टाइम है ये। तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो, और आप सिंह लगन वाले हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप शाम में घर आके यूट्यूब में या udemy.com में या coursera.org वहाँ पे जाके आप नई चीज़ों को सीख सकते हैं, नई ट्रेनिंग आप ले सकते हैं ना। तो आपका जो स्पेयर टाइम है उसमें कोशिश कीजिए कि किसी ना किसी तरह का ज्ञान आप अर्जित करें, आपके व्यवसाय, आपके जॉब से रिलेटेड, या कोई और विषय को के रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वहाँ से वो दसवें घर को दृष्टि डालता है, दसवां घर आपके करियर का है। तो आपके पास जो विद्या रहेगी और जो विद्या में बढ़ोतरी होगी
उसको लेके आप आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। और छठा घर आपके गाड़ी घर बंगला मकान ये सब का है, जैसा कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, तो आप नया मकान खरीद सकते हैं। आप अगर आपके पास ऑलरेडी एक मकान है तो उसको और सुंदर बना सकते हैं, उसमें नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर को बुला सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसके वजह से आपको लगे कि हाँ मेरा घर बहुत अच्छा है। और अभी आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, ठीक है। तो ऐसा ना कीजिए कि दिन रात आप बाहर ही रहते हैं दोस्तों के साथ, ऐसा मत कीजिए। घर आइए, आपके माँ और आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है आपके बच्चे उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि अभी आपको ना बहुत खुशी मिलेगी। जहाँ पर भी गुरु गोचर करेगा ना वहाँ बहुत खुशी मिलती है। तो चतुर्थ आपके घर का है, आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो घर है वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो अगर आपको कोई नई गाड़ी लेनी है तो वो भी ले सकते हैं आप, मर्सिडीज़ ले सकते हैं या कोई बाइसाइकिल भी ले सकते हैं ना, 1000-2000 रुपये का कुछ भी खरीद सकते हैं आप, जो भी आपका आपके पास जितना पैसा है वैसा खरीद सकते हैं। या रियल एस्टेट का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप खुश रहें और लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखें, ठीक है। तो उससे आपको ये भी दिखेगा कि मेरी ज़िंदगी जो है पहले से बहुत शांत हो गई, क्योंकि चौथा घर जो है ना शांति का भी है वो, तो आपको लगने लगेगा कि मुझे ज़िंदगी में शांति चाहिए, ज़्यादा ये उतार चढ़ाव नहीं चाहिए। तो आपको ये मन करेगा कि मुझे एक जगह सेटल होना है ना, ये सब आपको मन करेगा, जो कि बहुत अच्छा भी है। आप सेटल हो सकते हैं एक जगह में, या आपके गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर करवा लीजिए, क्योंकि चतुर्थ भाव में अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो अभी टाइम है आपके पास कि उस पर आप ठीक करवा सके। तो गाड़ी वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ठीक करा लीजिए, नई गाड़ी खरीदना है तो खरीद ही सकते हैं। और अगर आप गाड़ी बेचने का भी प्लान कर रहे हैं तो भी आप इस टाइम कर सकते हैं, बेच के एक नया गाड़ी वो भी खरीद सकते हैं आप, ठीक है। या आपके गाड़ी में कोई एक्सेसरीज लगाने का प्लान है ना, म्यूज़िक सिस्टम लगाने का प्लान है, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, या घर को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, और ये सब मैंने पहले भी बोला है। तो ये सारी चीज़ों से आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। अभी आ जाते हैं कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लगन वालों पर। आपका गुरु गोचर करेगा तीसरे स्थान में, तीसरा स्थान आपके पराक्रम का है, तीसरा स्थान है आपके, वो कहते हैं ना विल पावर डिटर्मिनेशन, वो है। इसीलिए वो भाइयों का भी है, छोटे भाइयों का, कि जैसा हम कभी कभार कहते हैं ना छोटे भाई बहनों के साथ जाकर, अरे यार अरे भाई चल करेंगे, तो बड़े भाई से थोड़ा कभी लगता है अरे नहीं नहीं कैसे बोलेंगे, छोटे भाई से अरे चल करेंगे ना। तो अभी आपके दिमाग में अगर कोई भी ऐसा आइडिया है जिसको आप सोच रहे हैं बहुत दिनों से प्रैक्टिकली लागू करने का या उस पर काम करने का, तो ये सबसे उत्तम समय है, ये बहुत ही अच्छा टाइम है उसको प्रैक्टिकली करने के लिए। मान लीजिए आप एक नया एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप अपना नया अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, मैं फैमिली बिज़नेस का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉब का बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप अपना नया कुछ शुरू करना चाहते हैं सर, ठीक है, आपके पास ऐसी कोई आइडिया है, क्योंकि तीसरा घर जो है ना आइडिया का है, तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन, एक से एक, भरपूर से भरपूर आइडिया मिलेगा अभी, क्योंकि गुरु जब वहाँ आएगा ना उसमें वृद्धि कर देगा वो, गुरु बोलेगा कि हाँ भाई ये आइडिया ले, ये कैसा रहेगा। और आपको वैसे लोग मिलेंगे जो आपको बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे। तीसरा घर जो है क्रिएटिविटी का है, तो आप किसी भी चीज़ में आपका क्रिएटिव इंटरेस्ट है ना, तो कोशिश कीजिए कि उससे रिलेटेड कुछ काम करने का YouTube में, क्योंकि तीसरा घर YouTube का है ये मान के चलेगा। तो अगर आप गाना अच्छा गाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप YouTube में एक चैनल खोल सके, कोई भी स्थिर नक्षत्र ले लीजिए आप, जैसा रोहिणी हो गया या उत्तर फाल्गुनी हो गया या उत्तर भाद्रपद हो गया, या ऐसे नक्षत्र, या तो पुष्य नक्षत्र ले लीजिए जो कि बहुत ही शुभ है, पुष्य स्थिर नहीं भी है तो वो भी सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है। तो ऐसे किसी नक्षत्र में ना आप अपना YouTube का चैनल खोल सकते हैं। तीसरा घर आपके लिखने का टैलेंट का है, वो आप नया किताब लिख सकते हैं, अभी किताब लिख के आप Amazon में अपलोड कर सकते हैं या पेपर बैक या कुछ भी कर सकते हैं आप,
तो ये सब आप कर सकते हैं, पराक्रम कर सकते हैं आप, और पराक्रम अच्छी चीज़ों में दिखाइए, किसी से झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि तीसरा घर जो है ना युद्ध का है वो तीसरा घर में किसी का अगर बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हो जाते हैं तो वो व्यक्ति युद्ध कर लेता है, तो युद्ध मत कीजिए किसी से, फालतू चीज़ों का, बेकार की चीज़ों का, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, सोशल मीडिया का है तीसरा घर, तो सोशल मीडिया में जाके आप झगड़ा मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए किसी से, अरे तूने ऐसा बोला मैं ऐसा बोलता हूँ ना, अब मैं तुझे दिखाऊंगा मैं सही हूँ मैं गलत हूँ। तो पराक्रम का इस्तेमाल अच्छी जगहों पे कीजिए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो पराक्रम कीजिए। और छोटी यात्राओं का भी है तीसरा घर, तो छोटी छोटी यात्राएं हो सकती है आपकी, छोटी छोटी यात्राओं में आप जाइए, मौज मस्ती मजाक इन सब का भी है, शॉर्ट टर्म छोटे टाइम के लिए जो लोग हमें मिलते हैं ना वो लोग के साथ भी आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बिजनेस ट्रिप्स पे जा सकते हैं ना, मान लीजिए आप पुणे से बॉम्बे गए, बॉम्बे से पुणे, ऐसा हो सकता है। और क्या बोलूँ मैं, और जो है तीसरा घर आपके दीक्षा का भी होता है, क्योंकि वो नौवें घर से अपोजिट है, तो इस टाइम आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप जो भी करें लाइफ में ना अपने किसी गुरु से सलाह लेके करें, क्योंकि तीसरा घर जो पराक्रम का है, कभी कभार हमको लगता है कि हम अपने दम पे कुछ भी कर लेंगे, जो कि बात सही है हम कर सकते हैं, लेकिन हमको भावुक होके नहीं करना चाहिए, तो हमें गुरु या हमारे जो है या हमारे पिता उनसे सलाह लेनी चाहिए, या हमारे बड़े भाई, या अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, अगर हमारा शादी होने वाली है तो ऐसा कोई है घर में हमारे भैया या हमारी दीदी या जो भी है, जो जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और जिनकी शादी बहुत अच्छी जा रही है, तो उनसे हम सलाह ले सकते हैं, तो वो करेंगे तो क्या होगा, हम सलाह लेके जब काम करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ पराक्रम करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, तो वो सबसे अच्छा होता है पराक्रम के लिए। तो पराक्रम कीजिए, लेकिन पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ साथ कीजिए, ऐसा नहीं कि आप किधर भी कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका जो एनर्जी है ना मिस यूटिलाइज हो रहा है, मतलब आप गलत जगह पे एनर्जी लगा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और किताब लिख सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, छोटे भाई बहनों से रिलेशन अच्छा रखिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि तीसरे घर में गुरु आपका जाएगा, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन सबसे अच्छा रिलेशन रखिए, और आप जो भी करते हैं ना लाइफ में उनको भी इंक्लूड कीजिए उसमें। मान लीजिए आप कोई यूट्यूब चैनल खोला है तो उनको बोलिए कि भाई कि दीदी या बहन जो भी है आपके, कि इसको ना फैला दो अपने दोस्तों में फैला दो, तो वो लोग फैलाएंगे तो उनके वजह से आपको बहुत तरक्की मिलेगा, आपको बहुत नेम फेम मिलेगा, उनके वजह से आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि वो उनका लगन है, तीसरा घर उनका लगन है, ठीक है। अब आ जाते हैं तुला राशि वालों के लिए, अंतिम हो गया ये, तो तुला राशि वालों का जो गुरु है आपका गोचर करेगा दूसरे घर में, तो दूसरा घर जो है आपके फाइनेंसेस का है, सेविंग्स का है, आपका इनकम जो आता है वो छठे दसवें और एकादश से आता है, और जो सेविंग्स होता है ना वो सेकंड हाउस में होता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा फैमिली है, तो अभी तुला लगन वालों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने फैमिली की तरफ फोकस करें। जैसा मान लीजिए आपके घर में कोई है जिसका कोई हेल्थ में प्रॉब्लम है, जैसा मान लीजिए आपके फादर हो गए, आपके मदर हो गए, जो भी है, क्योंकि दूसरा घर जो कुटुंब को दर्शाता है वो, ठीक है, जो जितने लोग आपके आसपास है, जो आपके करीबी है, सब सेकंड हाउस में आते हैं, आपके दोस्त भी सेकंड हाउस में ही आते हैं, क्योंकि कहते हैं ना फ्रेंड्स आर लाइक फैमिली, डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि कैसे दोस्त हैं आपके, तो आपके जो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस है उसको ज़्यादा ताकतवर करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, उसको आप कोशिश कीजिए कि उसमें एक नया दायरा आप लेके आ सकते हैं, नया नया डायरेक्शन लेके आ सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स को आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो आध्यात्मिक जो चीज़ें हम करते हैं, जैसा मंत्र हो गया या शास्त्रों का पाठ कराना, वो सब चीज़ें अगर आप खुद कर रहे हैं तो अभी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि उनको भी वो सब काम करने का एक आप अवसर दे सकते हैं। जैसा उनको किसी धार्मिक स्थल पर आप ले जा सकते हैं, उनको आप कोई नया किताब दे सकते हैं, जैसा भगवद गीता दे सकते हैं आप, उनको कोई नया मंत्र शुरू करने को बोल सकते हैं, क्योंकि गुरु आध्यात्म का कारक है, आध्यात्म जब गुरु जब दूसरे घर में आता है तो आपके घर वालों की जो आध्यात्म की तरफ जो रुझान है वो बढ़ जाता है, तो उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरा घर जो है आपके कुटुंब का है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे हो, आपका बेटा बेटी जो भी वो हो सकता है,
नहीं है तो भी हो सकता है, और ऑलरेडी है तो और भी हो सकता है, आपका 2 से 3 हो सकता है, 3 से 4, 4 से 5, क्योंकि आपका कुटुंब में बढ़ोतरी हो जाएगा। कुटुंब कैसे बढ़ेगा? जब आपके बच्चे होंगे तभी तो कुटुंब बढ़ेगा। या आपके हो सकते कोई ऐसे दोस्त मिल जाए आपके, जो इतने आपके करीब हो जाए कि आप सोचे कि ये तो हमारे कुटुंब जैसे ही है ना, ये हमारे फैमिली मेंबर जैसे ही है। तो बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए। और अभी आप फाइनेंशियली सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा खर्चे वर्चे मत कीजिए, पैसे पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए अभी। पैसा मतलब ऐसा नहीं कि गलत तरीके से आप पैसा ऐंठने का कोशिश करें कहीं से, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा कोई भी आपको लगे कि ये एरिया में इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट या इक्विटी या जो भी आपको, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं उन सबका, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए ताकि उसमें बढ़ोतरी हो। ज़्यादा पैसे को ऐसे ही रख के मत, ऐसे ही इधर उधर मत रखिएगा। और ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपसे ये आके बोले कि मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, तो ध्यान से दीजिएगा, ऐसा ये मत कीजिएगा कि किसी को कुछ भी दे दिया ना बिना देखे बिना सोचे समझे। और आप डोनेशंस भी दे सकते हैं, डोनेशंस देंगे तो आपके फाइनेंस के लिए ऐसे भी अच्छा है, तो उसके वजह से बाद में आपको और भी ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे। खैर जो भी है, आप दे सकते हैं डोनेशंस अगर आप चाहते हैं। और हेल्दी इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं ना, मतलब ऐसा मत कीजिए कि सारा पैसा आपने एक स्टॉक में डाल दिया ना, 1 करोड़ रुपया था आपके पास, हमने सारा उसमें डाल दिया। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं ना कि सब सभी अंडों को एक बास्केट में मत डालो, ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट ऐसा कुछ वो कहते हैं, डोंट पुट ऑल द एग्ज इन वन बास्केट, मतलब अपना सारा पैसा एक जगह मत इन्वेस्ट करो, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो। वो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र जो भी है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी आपको जो भी सजेशन देते हैं आपके टैक्स वगैरह के रिलेटेड ना, तो उनसे आप सलाह लीजिए। पैसे के रिलेटेड ये साल बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और दूसरा घर बढ़ोतरी होगा उसमें, तो शादी भी हो सकती है आपकी। जैसे 2, 7, 11 जो है शादी का भाव है, तो जब भी गुरु 2, 7, 11 में जाता है तो हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो कुटुंब को बढ़ाने का प्लान है तो शादी कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं आप। और इन जनरल आपके जो कजिन्स है ना, सेकेंड हाउस, सारे फैमिली को दिखाता, आपके चाचा मामा फूफा आपकी दादी नानी जितने भी लोग हैं ना, उनसे आप अच्छा रिलेशन रखिए। चौथा घर आपका पूरा घर होता है, समझ रहे, लेकिन दूसरा घर जो होता है आपका पूरा फैमिली होता है, आपके जितने चचेरे भाई हैं, जितने आपके चाचा मामा, जितने लोग हैं, सबके पूरा खानदान आपका आता है सेकंड हाउस में। तो आपके खानदान में जितने भी लोग हैं ना, उन सबसे कोशिश कीजिए कि आप अपना रिलेशन सुधार सके इस टाइम। अगर किसी से कोई मनमुटाव हो गया है, खैर थोड़ा बहुत तो रहेगा ही किसी से, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसमें आप सुधार ला सकें, ठीक है। तो जब आप ये करेंगे, और आपको अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब भी मिल सकता है, क्योंकि दूसरा घर जो पैसे का भी है, तो आपको पैसे इनकम करने के ना नए नए साधन आ सकते हैं यहाँ से वहाँ से। तो अगर आप ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है आप एक्सपांशन करें ना, यूट्यूब में चैनल खोल रहे हैं तो कोलैबोरेट करें दूसरे यूट्यूबर से ना, ऐसा भी आप कर सकते हैं। या व्यवसाय में अगर आप कर रहे हैं तो व्यवसाय का भी है सेकेंड हाउस, तो क्योंकि पैसा वही व्यवसाय से भी आता है, तो व्यवसाय में भी आप बढ़ोतरी कर सकते हैं, अलग अलग डोमेन्स में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 12 लग्नों और 12 राशियों के लिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से यूज़ कीजिए सभी लोग इस टाइम को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, और मेरे बाकी वीडियोज़ को देखे। और अगर आपको मेरे से कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे लिंक पे जा सकते हैं, नीचे वहाँ जाके आपको जो भी पसंद है वो आप बुक कर सकते हैं। एंड गॉड इज़ देयर विद यू ऑल द टाइम, जस्ट लुक टू हिम एंड यू विल फाइंड हिम। ऑलराइट, नेक्स्ट टाइम फिर से मुलाकात होगी अंग्रेजी या हिंदी में। बाय बाय।